justice. We want justice. Justice, justice. We want justice. हमारा नारा है आंदोलन की तकदीर है, संघर्ष हमारा नारा है। कत्ल करत का बंद करो, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये टारगेट किलिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए आज सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी से, ऑनरेबल गृह मंत्री अमित शाह जी से, एलजी साहब से कि सर हम जब कश्मीर घाटी से बाहर आए थे हम वहाँ टारगेट किलिंग के चलते जो हमारी टारगेट किलिंग हो रही थी, निर्मम हत्या हो रही थी, वो लगातार हो रही थी। हमें एक बारी में इतना डर बैठ गया मन में कि हम जब घाटी जाते हैं तो हम चाहते हैं आपके पास एक ऐसे प्लान हो जिसमें आप हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। लेकिन अगर हमारी तनख्वाह 6 महीने से बंद है, हमने वो भी बर्दाश्त किया, लेकिन आज महाशिवरात्रि का पर्व है, महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है, उस पर अगर हमारी तनख्वाह बंद रहेगी, आप हमें बताइए हमारी गलती क्या है? अगर हमें वहाँ मारा जा रहा है, लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अगर मैं वहाँ जाऊँगा और तनख्वाह लेता हूँ, क्या आप मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी की इंश्योरिटी लेते हैं? क्या आप मानते हैं जिस रिहैबिलिटेशन प्लान में आपने मुझे लगाया है उस रिहैबिलिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से कंप्लीट है? मैं मानता हूँ आप इस पर कोशिश कर रहे हैं, व्हेन यू कैन बाय द टाइम, इस दौरान एम्प्लॉयज को भी आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं, लेकिन पनिश नहीं कर सकते हैं उनकी तनख्वाह बंद करके। ये सारे एम्प्लॉयज आपके सामने हैं, हमारी सारी अगर यहाँ पे 100-150 एम्प्लॉयज हैं, इनकी फैमिलीज भी तो इस महाशिवरात्रि के पर्व पे सफर होंगी। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं विनम्र भाव से कि मेहरबानी करके हमारी तनख्वाह छोड़ दीजिए, बाकी आप टेबल टॉक्स में जो प्लान बताएंगे जिस पे आप हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी और रिहैबिलिटेशन को पूरा करेंगे उस पे हम आपके साथ एग्री करेंगे, और हम जानते हैं आप कैपेबल गवर्नमेंट है इस पे काम करने के लिए। हम जानते हैं आपने हमेशा मॉडल सकते हैं। यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज हैं उन्हें यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि आज ये धारा 144 लगने की वजह से प्रेस क्लब के अंदर जो प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे थे इन्होंने आज यहाँ पर बाहर प्रोटेस्ट किया है। साफ तौर पर ये अंदर इनको अरेस्ट कर लिया गया है और इनकी ये डिमांड है रिलोकेशन की। आप देख सकते हैं इन्हें यहाँ पर गिरफ्तार करके लिया जाया जा रहा है। लगातार प्रशासन से 7-8 महीने से यही डिमांड कर रहे थे रिलोकेशन की। जिस तरह से वादी कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं जिसके डर से अब इनने वहां पर जाना इनके लिए काफी नामुमकिन था, इसलिए यहां पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे जम्मू में। अब आज इन्हें गिरफ्तार करके लिया जा रहा है। यहां इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। नहीं 144 कोई ऐसा नहीं है, मगर यहाँ के लंबा जो है प्रोटेस्ट के लिए रोक लगे, लंबे देर तक नहीं बैठेंगे क्योंकि रात को फिर 12-12 बजे तक उठाने पड़ते हैं, तो वो फिर उस वक्त जब जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनको भी रात को गाड़ी का इंतजाम करना बड़ी मुश्किल होती है। पिछली बार भी अभी कल परसों की बाद रात को 12 बजे उनको हटाया, फिर वो जाएँ कैसे, गाड़ी भी कोई नहीं है उनके पास। तो इसलिए यही है कि जिसको प्रोटेस्ट करना है मीडिया से अपनी बात रखे, एक दो घंटा और चले, क्योंकि जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ सारा इनकन्वीनियंस होती है सबको, यहाँ भी रोड में भी लोग आते हैं गाड़ी पार्किंग करते हैं, तो इसलिए है कि भाई ज़्यादा लंबा मत खींचो, क्योंकि पुलिस को जिसको जो काम करना है अपने चलान पेश करना है कोर्ट में, ऐसे ही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में इतने काम हैं, इतनी फाइलें पड़ी हुई हैं, वहाँ बैठ रहे हैं या इनके पास बैठ रहे हैं, तो अपनी ये बात रखें। कोई भी अपना जो प्रोटेस्ट कर सकता है बात रख सकता है, बट कोई एक टाइम है 1 घंटा 2 घंटा जो भी ये करना है, पूरे दिन सुबह से शाम तक, फिर रात को फिर आप डिप काम ही आएगा तभी हम उठेंगे, इस किस्म की शर्तें रखते हैं तो ठीक बात नहीं है। आज प्रोटेस्ट हो रहा था जिसको लेकर आज यहाँ पर सिक्योरिटी काफी टाइटन थी, 144 सेक्शन प्रेस क्लब में लग जाने की वजह से ये प्रेस क्लब के अंदर आज प्रोटेस्ट नहीं कर पाए, लेकिन प्रोटेस्ट करने के लिए ये बाहर उसी तरह से तत्पर थे। पुलिस के बीच से इनकी बात हुई, जो बात कहीं हल ना निकलने की वजह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ, कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।